यार मैं 200 पॉइंट के डिक्लाइन पर ले रहा, तो आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा। ये उन लोगों के लिए जो 27272 के निफ्टी के डायरेक्ट लिए अप्रोच कर रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 25,750 का। बिल्कुल ठीक, आपने आगे पोजिशनल स्टॉप लॉसेस 25,950 पर इस तेजी को बड़े तरीके से बुलाइए। जो लंबी अवधि में हमारे साथ राइड कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया से स्टॉप लॉसेस ट्रेड करने के लिए आज ये एडजस्टमेंट्स। बाकी के लेवल स्क्रीन्स पर आइए निफ्टी बैंक पे। पिछली सीरीज का तो हीरो रहा, अपन ने गियर शिफ्ट करे थे सीरीज के मिड पे, ये कहते हुए निफ्टी की जगह निफ्टी बैंक पे अब तवज्जो देना चाहिए, और निफ्टी बैंक ने मैसिवली आउट परफॉर्म कर 6.5% सीरीज ऑन सीरीज के निफ्टी बैंक ने गेन दिए सितंबर में। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कितनी बार चर्चा हुई थी, कैसे HDFC बैंक गश्तों के साथ मूव करा, ICICI बैंक, एक्सिस, सब पे चर्चा हुई थी, और सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज ये सारे बैंकिंग लार्ज कैप जो है बढ़िया मूव डिलीवर करते हैं। अब समीकरण एक तो निफ्टी की तरफ हो सकते हैं, लेकिन निफ्टी बैंक अपने आप में कैसा पोजिशन है? निफ्टी बैंक भी स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं। निफ्टी बैंक को आपको दो दिन से इंट्राडे के मौके, मतलब कंपैरेटिवली वो बेहतर हो गया, कंपैरेटिवली अब थोड़ा सा अगल, मतलब सीरीज की शुरुआत में एक बार के लिए निफ्टी बेटर हो गया, लेकिन ठीक है। निफ्टी बैंक कल हमारा 54,500 का टारगेट था, उससे जस्ट नीचे रह गया 54,467, उससे बस 30 पॉइंट दूर रह गया था, वरना 54,500 ऑलमोस्ट आ गया था। 54,500 के ऊपर फिर 55,000 और 55,000 के ऊपर 55,500 के टारगेट्स हो गए यहाँ पर बैंक। HDFC बैंक जैसे मैं कह रहा था, HDFC बैंक के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि क्या HDFC बैंक अगली तेजी के लिए तैयार या नहीं। एक तेजी तो हो चुकी है HDFC बैंक में, जो करीब करीब 1650 शुरू हुई और अब 1800 तक ये आ चुकी है यहाँ पर। अगर HDFC बैंक 1800 के ऊपर निकले, ये बड़ा सवाल है, अगर ये हुआ तो बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी होगी, फिर वो 56,000 के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी। अभी के लिए लॉन्ग रहे और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 54,000 का, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में जो हमने जो जिनको लॉन्ग करा है वो 3,000 पॉइंट मिल चुके हैं, 3,000 पॉइंट मिलने के बाद आप 400 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस रखेंगे ठीक है सिस्टम में, तो इसके लिए 54,000 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें। अभी के लिए मैं बैंक निफ्टी पर फ्रेश लॉन्ग का कॉल नहीं ले रहा हूँ, वो अगर HDFC बैंक 1800 के ऊपर चला गया और टिक गया तब लेंगे, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग कैरी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ कैरी कर रहे हो ठीक है। ये है निफ्टी बैंक पे व्यू, थोड़ा सा एक शेड बेहतर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी 50 नजर आता है, देखिए फिर गियर शिफ्ट है और आज जो पॉकेट चलने वाली है या जिस पर सबका फोकस रहेगा IT। इसी चैनल पे इसी प्लेटफॉर्म पे हर बार बोला था IT अपने रडार पर रखिए, हर गिरावट में IT खरीदने के मौके ढूंढिए, खुलकर ये मेंशन हुआ था IT नया लीडर बनेगा। सुनिए चैनल पे क्या बातचीत हुई थी उस पे, उसके बाद एक बार एक्सेंचर के नंबर्स में टटो लाइए दिखाइए। आज के लिए मैं पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ IT पर, और उसका कारण यह है कि निफ्टी IT 20 डे मार्केट जस्ट नीचे सारे के सारे लार्ज कैप IT स्टॉक, चाहे इंफोसिस हो, चाहे TCS हो, चाहे विप्रो हो, ये सारे के सारे लार्ज कैप IT स्टॉक्स अपने सपोर्ट के काफी करीब हैं। और ये एक्सेंचर की तरफ से जो गाइडेंस आया वो पॉजिटिव है TCS के लिए, उस लिहाज से बाकी सारी IT कंपनियां रादर रिडार पर रखेंगे। आप IT as a sector focus में रहेगा, कल सुबह से CNBC आवाज पे एक्सेंचर के आने वाले नतीजों की चर्चा हो रही, और नतीजे जो है जो FY25 का गाइडेंस हो, जिस तरह की ऑर्डर बुकिंग की बात हो, रीड थ्रू खासा पॉजिटिव इंडियन IT, शायद आज पूरा IT सेक्टर रेडा। IT कैसे लगे बाकी एक्सेंचर के नंबर्स, और गिरावट में IT ले लिया, एक्सेंचर के नंबर से ऐसा रेट थ्रू दिख रहा है क्या कि ये पॉकेट अब वाकई आउट परफॉर्म करेगी? वो फेड का 50 बिप्स भी आ गया बिल्कुल, और अब एनवायरनमेंट शायद कंडीशन हो रहा है ऐसा लग रहा है। देखिए आशीष, पहली बात तो मैं एक ये चीज़ बताऊँ, कल सिर्फ आपका चैनल था जिसने आपको प्रिपेयर किया था एक्सेंचर के, इन्हीं का मैसेज आया था मेरे पास कि एक्सेंचर के नंबर्स पे वो तैयार कर लेते हैं किस तरह के आंकड़े आ सकते हैं।